हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शहाबाद में चोरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब चोरों ने शहाबाद के दुर्गा मंदिर चौक पर एक दुकान की छत पर सेंधमारी की तो अन्य दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की दूसरी बड़ी घटना को अंजाम दिया। चौक पर चोरों ने दो स्थानों पर करीब 20-20 फुट के रास्ते को पार करने के लिए दुर्गा मंदिर की छत से सीढ़ी लगाई और चाय की दुकान की छत से अंदर घुसे। चोर दुकान में रखी करीब 1,00,000 रुपए की राशि लेकर फरार हो गए। दुकान के मालिक रमेश व उसकी पत्नी ने बताया कि चाय का काम कर पाई पाई इकट्ठा की थी। घर के निर्माण कार्य के लिए कुछ पैसे जोड़े थे। सुबह पड़ोसी दुकानदारों ने सूचना दी कि दुकान की छत पर लगा छतनुमा टीन टूटा हुआ है। दुकान का स्टर खोला तो गल्ले में रखी हुई राशि गायब मिली और सामान बिखरा हुआ मिला। वहीं दूसरा चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। चांद ज्वेलर्स की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ किया। चोर छत के रास्ते से दरवाजा तोड़कर दुकान में प्रवेश किया। युवक ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा तार निकालकर बंद किया। इसके बाद युवक ने अलमारी खोलकर चांदी के गहनों पर अपना हाथ साफ किया और लेकर फरार हो गया। चोर के दुकान में इंटर करने तक का फुटेज पुलिस को बरामद हुआ है। दुकान के मालिक ने बताया लगभग 1,25,000 रुपए के गहने चोरी हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तथ्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। डीएसपी सुरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और जगह का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में युवक की तस्वीरें कैद हो चुकी है। मैं मिस्त्रियों के मकान बना रही थी, मेरे गले में पैसे पड़े, मैं चुकना भूल गई। मिस्त्री लगे हुए, मैं दरवाजे के पैसे दे रहे थे, शीशे वाले के पैसे देने। इसने सवेरे आए पड़ोसियों ने हमारे को कहा भी तुम्हारे शटल का ऊपर से तोड़ रखा है। उन्होंने फ़ोन करा, हम फटाफट आए, आके देखा हमारी दुकान पर सारा कुछ खिलना पड़ा था। एक एक ऊपर से जाके देखे, शेड तोड़ा, दरवाजा तोड़ा पड़ा था। हमने देखा हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया है। हमारा छोटा सा चाय का काम है, मैंने बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा करा था, मेरा बहुत सारा नुकसान हो गया। मैंने पहले उन लोगों के काम करा था, बर्तन मांझ के इकट्ठा कर रखा था, वैसा मकान बनाने के लिए मैं लोगों के काम करती थी पहले। अब मेरे से होता नहीं है, मैंने छोटा छोटा कर काम करके छोटा सा हमारा चाय का काम इसी के फिर ऊपर मैंने इकट्ठा करा भी, चलो बच्चे के लिए कुछ बन जाएगा बच्चे के लिए। कंप्लेंट किया आप लोगों ने? हाँ जी, पुलिस में कंप्लेंट कर रखी है जी। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? वो करेंगे, करवा करेंगे, कार्रवाई करेंगे जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम आशा रानी है जी। ऊपर से आए दरवाजा तोड़ के, तो यहाँ से आके ये सामान को निकाल के लेके, पंजेबें वगैरह थी और थोड़े बहुत पैसे थे। कितना अनुमान कितना है? अनुमान तो 20-30 जोड़ी पंजेबों की थी वो ले गए। टोटल कितना है? टोटल ऐसा वेट तो मेरे को ध्यान नहीं है कितना है, बाकी 1,00,000-1,25,000 का तो आइडिया है ही है। तो कहाँ से आए हैं चोर? क्या ये ऊपर से आए हैं दरवाजा तोड़ के? पुलिस में मामला दर्ज करवाया? हाँ जी, मामला पुलिस को खुलवाया है। क्या करिए? रिपोर्ट दी है, वो अपनी फिंगरप्रिंट लाएंगे, जांच करेंगे अपनी। यहाँ डीएसपी साहब आए थे? हाँ जी, डीएसपी साहब भी आए थे, मौका देख के गए हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा भूपिंदर सिंह। ये चोरी की सूचना मिली थी सरदार भूपिंदर सिंह के जो सुनार की दुकान है, उसके रात चोरी की सूचना मिली, इसके लिए मौके पर आए थे और इसके अंदर सीसी फुटेज देखिए, हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सीआरओ ब्रांच से और से हमारा जो होता है रिकॉर्ड होता है उसमें देख रहे हैं और जल्दी बंदे उसको चोर को आइडेंटिफाई करके उसे गिरफ्तार करेंगे। रही बात आगे प्रिवेंटिव एक्शन की, मार्केट के लोगों को भी आपके सामने कह रहे थे भी यहाँ चौकीदार रखा जाए कि पुलिस राउंड लगा सकती है, चौकीदार होना ज़रूरी है। आगे उस मार्केट में चौकीदार नहीं है तो सबको ब्रीफ किया है कि ना चौकीदार लगाया जाए। सर चाय की वो दो दिन से हो रही है लगातार, बंदा ऊपर से आ रहा है, नीचे कैमरों में भी नहीं आ रहा, पर इसके दुकान के अंदर कैमरे थे उसमें आइडेंटिफाई हो, चेहरा दिख रहा है उसका, चेहरा दिख रहा है उसके, क्या नाम चलने का स्टाइल भी दिख रहा है, तो क्या नाम है उसको जल्दी गिरफ्तार करेंगे।